आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एस बैंक में सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और वर्चुअल डेबिट कार्ड हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में इसमें आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन भी मिल जाता है। वीडियो केवाईसी के द्वारा आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करवा सकते हैं। फुल केवाईसी करवाने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक एडवाइस। एस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन या फिर अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है यस बैंक। इसके बाद फिर आपके सामने बहुत सारी लिंक आ जाएगी, आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपके सामने एस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एस डिजिटल सेविंग एंड सैलरी अकाउंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है नाउ ओपन ए सेविंग अकाउंट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम। यहाँ पर आप अपने घर से एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ नो ट्रांजेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। इसके नीचे लिखा है फास्ट, इजी, सिक्योर एंड पेपरलेस वे फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट इन 6 इजी स्टेप। यहाँ पर आप 6 इजी स्टेप से एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि फास्ट, इजी, सिक्योर एंड 100% पेपरलेस अकाउंट है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको ओटीपी से वैलिडेट करना होगा। थर्ड स्टेप में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फिर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी इंस्टेंटली मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसके कुछ और की फीचर दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको वीजा प्लेटिनियम वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री रहेगा और आप इसे लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका यूज ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर वगैरह के लिए कर सकते हैं। आप इसको इसके फीचर देखने के बाद वापस से ऊपर आना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ओपन सेविंग अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ओपन सेविंग अकाउंट ऑनलाइन के पोर्टल में आ जाएंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने एक कैप्चा आ जाएगा, आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर जैसे लेटर लिखे हैं सेम वैसे ही लेटर आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद फिर आप जो नंबर यहाँ पर डालेंगे उस पर एस बैंक की तरफ से एक ओटीपी भेजा गया है, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ गया है, चलिए मैं इसे डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है उस ईमेल आईडी पर एस बैंक की तरफ से एक ईमेल भेजा गया है। उस ईमेल में एक वेरीफिकेशन लिंक है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने ईमेल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एस बैंक की तरफ से एक ईमेल आ चुका है, मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक दी गई है। यहाँ पर लिखा है डियर कस्टमर प्लीज क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो टू द कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक लिंक दी गई है, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद फिर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप वापस से एस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर के लिए दिया गया है, यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली उसे वेरीफाई कर लेगा। आपका पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपके पैन कार्ड पर जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक चेकबॉक्स बना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ गया है, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका आधार नंबर भी वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट टाइप, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप किस प्रकार का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेविंग्स और सैलरी दो टाइप के अकाउंट दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर सेविंग्स सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप कंसर्ट देंगे। यहाँ पर दो चेकबॉक्स हैं, आप दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का पेज आ जाएगा, इसमें आपके आधार कार्ड में जो फोटो रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑन डेबिट कार्ड दिया गया है, यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड पर जो नाम आएगा वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड पर कोई और नाम चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट करके उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, यहाँ पर आपका जेंडर दिया गया है,
यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है फादर एंड स्पाउस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट में फादर नेम देना चाहते हैं या फिर अपने स्पाउस का नाम देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप फादर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने फादर का नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ के लिए दिया गया है, यहाँ पर आप जिस सिटी में पैदा हुए थे उस सिटी का नाम डाल देंगे, कंट्री ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर एड्रेस डिटेल के लिए दिया गया है, इसमें आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ स्टे इन करंट सिटी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस सिटी में कितने सालों से रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जितने सालों से रह रहे हैं वो डाल देंगे। इसके आगे मंथ दिया गया है, आप यहाँ पर मंथ डाल देंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका करंट एड्रेस परमानेंट है या फिर अदर है, तो अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर परमानेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप किसी अदर एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं उस एड्रेस की पूरी डिटेल्स डाल देंगे। तो फिलहाल मेरा करंट एड्रेस ही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर परमानेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पर नियरेस्ट ब्रांच डिटेल्स के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यस बैंक की जितनी भी ब्रांच आपके आसपास होगी उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इस लिस्ट में से आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप एस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप नॉमिनी की डिटेल्स देंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप नॉमिनी का नेम डालेंगे, यहाँ पर आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसकी एज डालेंगे, यहाँ पर आप रिलेशनशिप विथ अकाउंट होल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपसे नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं वो आपकी मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, डॉटर हैं, सन हैं, जो भी आपका रिलेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट के लिए दिया गया है, यहाँ पर अगर आपका एड्रेस और आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका एड्रेस सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका एड्रेस आपके एड्रेस से अलग है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे, अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कस्टमर प्रोफाइल का पेज आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ मैरिटल स्टेटस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर रेसिडेंट टाइप के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप जहाँ पर रहते हैं वो किस टाइप में आता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, आप 10th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्या काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास जो फंड आता है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आप पैसे कमाते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर एनुअल इनकम के लिए दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, आपकी एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर ट्रांजैक्शन पैटर्न के लिए दिया गया है, इसमें सबसे पहले दिया गया है कैश डिपॉजिट मंथली, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप मंथली कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर कैश विड्रॉल मंथली दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कितना मंथली कैश विड्रॉल करेंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्वार्टरली, यहाँ पर आप 3 महीने के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपके सामने रिव्यू का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपने अपनी जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड की है वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आप एक बार इसे एक एक करके चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई डिटेल्स आपकी मिस्टेक है तो आप यहाँ पर पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर सही कर सकते हैं। एक बार इसे पूरा चेक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी, आप एक बार इसे रेट करेंगे, रेट करने के बाद फिर आप यहाँ कंसर्ट देंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी भेजा गया है, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये उसे वेरीफाई कर देगा।
इसके बाद भी आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पर फाइनली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन वेलकम, इसके बाद फिर आपका नाम यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन ट्रैकर नंबर मिल जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमर नंबर मिल जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जिस ब्रांच पे अकाउंट ओपन किए होंगे उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो गया है। आप अपनी अकाउंट की इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख लीजिए। इसके बाद फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ एक नोट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब एस बैंक की तरफ से आपको फुल केवाईसी के लिए एक वीडियो कॉल की जाएगी। उस वीडियो कॉल में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, उसके बाद फिर एक कागज़ पर सिग्नेचर करके दिखाना होगा। इसके बाद आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड सेंड कर दिया जाता है और आपका फिजिकल डेबिट कार्ड बाय पोस्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर आ जाएगा। डेबिट कार्ड मिलने के बाद आप एस बैंक की नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हैंड टू हैंड अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।